नमस्कार दोस्तों, YouTube के जड़ी बूटी ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज जिस अद्भुत जड़ी बूटी की जानकारी लाए हैं वह अमूल्य, लाजवाब, गुणों की खान, स्वास्थ्यकारी, खूब विख्यात औषधि बूटी है, जिसके गुणों से सारा संसार चमचमाना चाहता है। यह वह अनमोल शक्ति का खजाना प्रदान करती है जिसकी चाह में हाथ पसारे हर कोई तैयार है। जी हाँ, वह अनमोल खजाना है चतुरता का, तेज बुद्धि, ज्ञान की शक्ति और अतः यारदास्त का। सच तो यह है कि तेज बुद्धि बल के धनी बीरबल का नाम यूं ही नहीं लिया जाता है। आज भी हर कोई स्वयं को और अपने बच्चों को भी बीरबल जैसा बनाने की चाह रखता है। बड़े बड़े विद्वानों, ज्ञानी, महापुरुष, प्रकांड विद्वानी जन उस मेधा शक्ति के उपासक हैं जिसे यह बूटी प्रदान करती है। कहते हैं यह बूटी जड़ मनुष्य को चेतन, मूर्ख को विद्वान, अज्ञानी को महाज्ञानी बनाने की क्षमता रखती है। इसके प्रभाव से सुनने मात्र से याद रखने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। सेवनकर्ता योग शक्ति के गूढ़ रहस्यों को भी जानने लगता है। यही नहीं, अद्भुत मानसिकता, मानसिक शक्ति का भी धनी बन जाता है। बस जरूरत है इस जड़ी बूटी को, इस औषधि को पहचानने की। तो दोस्तों, आप भी इस बूटी का प्रयोग कर सकते हैं और निश्चित ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसे क्षीर पुष्पी, मांगल्य कुष्मा, शंखाहुली, शंखावली, शंख पुष्पी आदि नामों से जाना जाता है। वैसे तो यह बूटी संपूर्ण भारत में पथरीली, रेतली, खाली पड़ी भूमि में उत्पन्न होती है, लेकिन राजस्थान, गुजरात के मैदानों में यह बूटी खूब उत्पन्न होती है। इसके छुप 2 से 4 इंच ऊंचे होकर जमीन पर फैलने वाले होते हैं। प्रातःकाल इसके छुपों पर लगे शंख की भांति के पुष्प दिखाई देते हैं। इसके पौधे छोटे छोटे होते हैं। इसकी शाखाएं इधर उधर जमीन पर फैली रहती हैं। इसकी जड़ बहुवर्षीय होती हैं, जो पौधा सूखने पर अगले वर्ष पुनः फूट जाती हैं। इसके पुष्प हल्के गुलाबी रंग के सफेद होते हैं। दोस्तों, दूध जैसी श्वेत होने के कारण ही इसे क्षीर पुष्पी तथा शंख जैसे पुष्पों की बनावट होने के कारण इसे शंख पुष्पी कहकर पुकारा गया है। इसके फल अंडाकार होते हैं, छोटे होते हैं, जो शाखाओं पर लगे होते हैं। पुष्प मई से दिसंबर माह में लगते हैं, जो प्रातः काल ही सहजता से दिखाई देते हैं और अपनी पहचान कराते हैं। दोस्तों, शंख पुष्पी के भेदों की बात करें तो यह 3 प्रकार की मानी गई है, जिनमें श्वेत पुष्पी शंख पुष्पी, रक्त पुष्प वाली शंख पुष्पी जिसे सर्वाक्षी भी कहते हैं, और तीसरी है नील पुष्प वाली शंख पुष्पी जिसने विष्णु क्रांता भी कहा गया है। लेकिन विद्वानों का मत है कि श्वेत पुष्प वाली शंख पुष्पी ही श्रेष्ठ व लाभकारी मानी गई है। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं शंख पुष्पी बूटी के गुणों, रसों, विपाक, प्रकृति आदि के बारे में। शंख पुष्पी बूटी का रस जो होता है वो तिक्त होता है, गुणों में स्निग्ध, पिच्छल गुण युक्त तथा शीत वीर्य प्रकृति की अर्थात ठंडी प्रकृति की औषधि बूटी है। इसका विपाक मधुर और प्रभाव मेध्य होता है। दोस्तों, यह तिक्त रस युक्त होने के कारण त्रिदोष अर्थात तीनों दोषों का नाश करती है। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं शंख पुष्पी की सेवनीय मात्रा, अनुपान आदि के बारे में। इसके स्वरस की 25 से 40 ml तक और पंचांग चूर्ण का सेवन अगर करते हैं तो 3 से 5 ग्राम तक की मात्रा में कर सकते हैं। दोस्तों,
बात करते हैं शंख पुष्पी बूटी के चमत्कारी स्वास्थ्यकारी अद्भुत मेधा शक्ति ज्ञान शक्ति ग्रहण शक्ति तथा याददाश्त शक्ति देने वाले गुणों के बारे में। आयुर्वेद में हमारे ऋषि मुनियों ने अथक परिश्रम करके अनेकों नायाब जड़ी बूटियों के ज्ञान का खजाना हमें दिया है। ऐसी ही रामबाण बूटी है शंख पुष्पी, जो न केवल रोगों का नाश करती है बल्कि मेधा शक्ति व दीर्घायु का वरदान भी देती है। शंख पुष्पी बूटी उन्माद अपस्मार स्मृति नाश भ्रम अनिंद्रा रोग नींद न आना तथा मानसिक नाड़ियों की कमजोरी दूर करके दिमागी शक्ति को दुरुस्त व तेज बनाती है। यह बच्चों युवाओं विद्वानों को मानसिक शक्ति से लबालब भर देती है। यही मानसिक विकास के साथ इम्यूनिटी पावर को भी प्रबल करती है। सच तो यह है कि शंख पुष्पी मात्र मानसिक रोगों को नाश करने की अद्भुत महौषधि नहीं है, बल्कि यह मन के विकारों मन के दोषों शरीर के विकारों को भी शांत करती है। सप्त धातुओं को शुद्ध करके शक्ति संपन्न बनाती है और शरीर के मल दोषों का संशोधन करके उन्हें उच्च बनाती है। दोस्तों यह महा औषधि बूटी जिसे शंख पुष्पी कहते हैं, यह श्वास कांस क्षय हिक्का विषम ज्वर बवासीर संग्रहणी आंतों की गर्मी हृदय रोगों में भी खूब उपयोगी है। यह बूटी भूख की कमी पाचन तंत्र की गड़बड़ियों पैर की गर्मी पेट की गर्मी अफारा वायु विकारों में भी खूब लाभ पहुंचाती है और विकृत वायु को शरीर से बाहर निकालने में खूब मदद करती है। शोधों में भी यह बूटी कितने ही रोगों को दूर करने में श्रेष्ठ पाई गई है। यह हृदय रोगों उच्च रक्तचाप पितज विकारों में महौषधि बूटी शीघ्र लाभ वाली करने वाली शीघ्र रोग को दूर करने वाली पाई गई है। यही नहीं, यह बूटी आधुनिक मत के अनुसार भी विद्वानों ने इसे मानसिक रोगों हृदय विकारों उच्च रक्तचाप थायराइड आदि रोगों में खूब हितकारी पाया है। अगर मस्तिष्क की गर्मी बढ़ने मस्तिष्क विकारों पितज विकारों के कारण सिर के बाल असमय सफ़ेद हो गए हैं तो शंख पुष्पी सिद्ध तेल या शंख पुष्पी स्वरस की मालिश करने व शंख पुष्पी का सेवन करने से रामबाण लाभ होता है। दोस्तों अगर सिर में दर्द रहता है परेशान करता है विद्वानों छात्रों को अध्ययन नहीं करने देता आंखें थकी थकी रहती हैं नेत्र शक्ति घटने लगी है तो शंख पुष्पी का चूर्ण शरबत स्वरस अवले आदि का सेवन करने से न केवल मन प्रसन्न रहता है बल्कि नेत्र ज्योति बहुत तेज बढ़ती है प्रबल हो जाती है सिर दर्द नहीं होता और स्मृति याद रखने की शक्ति खूब बढ़ती है। इसका चूर्ण 100 ग्राम मिश्री चूर्ण 100 ग्राम दोनों को मिलाकर रख ले तथा 5 से 8 ग्राम की मात्रा में पानी दूध ताजे फलों के रस आदि के साथ इसका सेवन करना लाभकारी होता है। दोस्तों अगर वीर्य रस दूषित हो गया है कमजोर है पतला पड़ गया है या वीर्य में गर्मी बढ़ गई है या शुक्र विकार यानी वीर्य दोषों के कारण संतान उत्पन्न करने की शक्ति नष्ट हो गई है कम हो गई है तो शंख पुष्पी कूट असली और कच्ची बबूल की फलियों को मिलाकर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को 5-5 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम दूध के साथ सेवन करने से वीर्य शक्ति संपन्न हो जाती है दोष रहित हो जाती है और शुद्ध व गाढ़ा वीर्य बन जाता है और उसमें उत्पन्न करने की जो शक्ति है वो बहुत अधिक हो जाती है।
इसी तरह दोस्तों, अगर रोगी उन्मादी है, मानसिक विकार हैं, तो रोगी को शंख पुष्पी चूर्ण को शहद के साथ चटाते रहने से उन्माद रोग ठीक होकर रोगी की मानसिक शक्ति सुदृढ़ होने लगती है। दोस्तों, अगर रक्तचाप के बढ़ने की समस्या को भी यह बूटी कम कर देती है और रोग को निर्मूल कर देती है, रोगी को निश्चित ही इससे शांति और लाभ प्राप्त होता है। इसके लिए शंख पुष्पी व खूब पके आंवलों का चूर्ण सेवन करने से बढ़ा रक्तचाप घटने लगता है। दोस्तों, इस प्रकार शंख पुष्पी जड़ी बूटी वह नायाब औषधि बूटी है जो मानसिक रोगों व अन्य कितने ही रोगों की अद्भुत औषधि है। इसके संयोग से आयुर्वेद की हजारों औषधियां बनाई जाती हैं, जिनमें घृत, तेल, अवले, शंख पुष्पी शरबत, स्वरस, ठंडाई, गोली, वटी, कैप्सूल आदि हैं। इसके गुण अतः हैं, विस्तृत हैं, बहुत हैं, विद्वान पुरुष सब जानते हैं। यह भ्रम, मधुमेह, पित्तज विकारों, हृदय रोगों, अनिंद्रा, स्मृति का नाश, भ्रम आदि अनेक रोगों को दूर करने की जो नायाब प्रकृति की जो अमूल्य औषधि बूटी है। यही नहीं, अगर स्वस्थ स्त्री, पुरुष, बच्चे इस बूटी का सेवन करते हैं तो रसायन गुण उत्पन्न करती है और मस्तिष्क को शक्तिशाली बनाती है। तो दोस्तों, आयुर्वेदिक औषधि जड़ी बूटियों का प्रयोग करें और अपने व अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें। दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय आयुर्वेद।